नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समन्त भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावकों के शिक्षा व्रतों का वर्णन करते हुए जो वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत बताया जा रहा है, उसमें चार प्रकार के दान का विवरण किया गया है। आपको चार प्रकार के दानों के नाम भी कल बताए थे। पहला आहार दान कहा गया, दूसरा औषध दान कहा गया, तीसरा उपकरण दान कहा गया और चौथा आवास दान कहा गया। ये चार प्रकार के दान गणधर आदि परमेष्ठियों ने सभी श्रावकों के लिए धर्म वृद्धि करने के लिए और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए बताए हैं। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तभी होता है जब श्रावक भी धर्म करे। मुनि महाराज के माध्यम से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो होता है, किंतु वह उनके स्व आत्मधर्म का प्रवर्तन मुख्य होता है। वह अपने निज आत्मा को साधने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ करने से निज तत्व का प्रवर्तन होता है और वहीं पर जब श्रावकों के माध्यम से ये पूजा दान मंदिर आदि के निर्माण और अनेक तरीके के धर्म प्रभावना के कार्य किए जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति चलती है। तो धर्म तीर्थ दो रूपों में चलता है, एक बाहरी रूप में और एक भीतरी रूप में। जो बाहरी रूप होता है वह अनेक तरह के प्रभावना के कार्यों से संबंध रखता है, और जो भीतरी रूप होता है वह अपनी आत्मा के हित के माध्यम से, अपनी आत्मा के व्रत आदि के माध्यम से वह साधना को प्राप्त होता है। आचार्य कहते हैं कि अगर हमें धर्म तीर्थ की प्रभावना करनी है तो हमें दोनों प्रकार की भावना रखनी पड़ेगी और दोनों प्रकार के जो धर्म है वो हमें करने होंगे। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी धर्म कार्य करता है तो वह अपने स्वहित की प्रमुखता रख करके ही करता है। स्वहित का मतलब है कि इससे हमारी आत्मा के लिए हित हो, हमारी आत्मा के लिए अच्छा हो, हमारी आत्मा का इससे मंगल होता रहे, आत्मा के अंदर हमेशा शुभ भाव बने रहें और आत्मा शुभ मार्ग पर ही चलती रहे। इस तरह का विचार करते हुए जब कोई व्यक्ति कुछ भी धर्म कार्य करता है तो उसका वह कार्य स्व और पर दोनों के हित रूप हो जाता है। स्व का हित उसका इसी में निहित होता है कि वह अपनी आत्मा के लिए कर रहा है, और पर का हित ये होता है कि उससे दूसरे लोग भी बहुत कुछ सीखते जाते हैं और उसी तरह से आगे करते चले जाते हैं। जब कोई दान आदि किया की जाती है तो उस दान आदि क्रिया में भी ये दोनों स्व और पर उपकार दोनों समाहित रहते हैं। इसलिए आचार्यों ने ये नहीं कहा कि दान देने से केवल पर का उपकार होता है, दान देने से स्व का भी उपकार होता है। हम उस महत्व को भी समझें। स्व का उपकार करने का मतलब वो स्वार्थी वृत्ति नहीं है कि हम स्वार्थ से दान कर रहे हैं। स्वार्थ वह होता है जिसके माध्यम से हम अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करें। स्वार्थ वह होता है जिसके माध्यम से हम अपना काम बनाएं और दूसरे के लिए अगर कुछ थोड़ा बहुत अहित भी हो जाए तो हम उसमें चूके नहीं, उसका नाम कहलाता है स्वार्थ। तो ऐसा स्वार्थ यहाँ नहीं बताया जाता। एक स्वार्थ का अर्थ होता है स्व माने अपने, अर्थ माने प्रयोजन, जिसमें अपनी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो उसको भी स्वार्थ कहते हैं। सुन रहे हैं? दोनों तरीके के स्वार्थ होते हैं। एक तो वह स्वार्थ है जिससे अपना उल्लू सीधा हो, शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं,
अपना उल्लू सीधा हो, अपना काम बने, उसका नाम स्वार्थ है। और एक स्वार्थ कहलाता है जिससे स्व माने अपनी आत्मा का हित हो, उसको भी स्वार्थ कहते हैं। तो जब हम कोई भी धर्म क्रिया करते हैं, दान है, पूजा है, तो उसमें भी ये स्वार्थ का भाव छिपा हुआ रहता है। अब वह स्वार्थ अगर हमारे अंदर अनेक प्रकार की इच्छाओं से जुड़ जाता है तो फिर वही स्वार्थ हो जाता है जो लौकिक स्वार्थ कहलाता है। अपना काम बनता है? आगे तो तुम ही बोल लो। अपने अंदर अगर इस तरीके की भावना आ जाती है तो उस दान आदि क्रिया में भी फिर जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ वस्तुतः जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो आचार्य कहते हैं कि यह क्रिया भी जैसा कि पहले कहा गया था, बिना अपेक्षा के, बिना प्रतिदान की इच्छा के कि हमें वापस इससे लौट करके कुछ मिले, और इस तरह से जो केवल स्वहित और परहित को देखते हुए किया जाता है वह सच्चा दान कहलाता है। स्वहित को देखना कोई स्वार्थ नहीं है, वैसा स्वार्थ जैसे कि लौकिकता में माना जाता है वैसा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि स्वहित को दृष्टि में रख कर के ही हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा भी समझदार है, पढ़ा लिखा है, तभी काम करता है। भाई हम ये काम कर रहे हैं इससे हमें क्या फ़ायदा है, सबसे पहले को पूछते हैं ना, हमें क्या मिलेगा। तो अपना फायदा क्या है? तो आचार्य कहते हैं अपने अंदर शुभ भावों से जो पुण्य बंध होता है और उसके माध्यम से जो आपके लिए एक छाया और वैभव, जैसा कल बताया था, वह जो आपको मिलता रहेगा, आपके सिर के ऊपर एक छाया बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? हाँ, छाया बनी रहेगी और आपको वैभव भी मिलता रहेगा। यह जो छाया और वैभव की प्राप्ति है यह इसी प्रकार के दान के एक फल से स्वयं मिलती रहती है। और इस तरह से जो व्यक्ति दान देता है अपने अंदर स्वयं का कल्याण करता चला जाता है। उसे किस तरह से जन्म जन्मांतरों तक भी फल मिलते हैं, इस प्रकार के अनेक उदाहरण, अनेक दृष्टांत शास्त्रों में भरे पड़े हैं। आप कोई भी प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे आपको दान की, पूजा की महिमा अवश्य उसमें पढ़ने को मिलेगी। किसी भी तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ेंगे, उनके पूर्व वृत्तांत को पढ़ेंगे, पिछले जन्मों के उदाहरण देखेंगे, तो उसमें भी आपको उनके इन सभी श्रावकोचित धर्म के ही फल आपको दिखाई देंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये चार प्रकार का दान करते हुए अपने अंदर ये भावना रखना कि हम इससे स्वयं का भी हित कर रहे हैं, इससे पर का भी हित होता है, और इस तरह से जब हम स्वयं और पर हितकारी कार्य में लग जाते हैं तो अपने आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता रहता है। चार प्रकार के दान बताए थे, उन चार प्रकार के दान में प्रसिद्ध जो चार प्रकार के लोग हैं उनके भी उदाहरण आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ में दिए हैं। ऐसे बहुत कम ग्रंथ मिलते हैं जहां व्यक्तियों के नाम लेकर के उदाहरण देकर के भी समझाया जाता हो। सुन रहे हैं? ऐसा ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ ही है। अन्य ग्रंथों में कभी आपको लोगों के नाम नहीं मिलेंगे। हाँ, देख लेना। वैसे तो एक बहुत अच्छा श्रावकाचार के रूप में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ भी माना जाता है और वह आचार्य अमृतचंद सूरी के द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन उस ग्रंथ में भी कहीं कोई नाम नहीं है प्रसिद्ध व्यक्तियों के, उदाहरण नहीं है। यह रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ की अन्य विशेषताओं से एक और विशेषता अपनी गिनती में डाल लेना कि इसमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम दिए गए। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताए गए, 5 प्रकार के पापों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम बताए गए, जिन्होंने 5 पापों के त्याग किए, जो 5 पुण्य रूप भावों के साथ में रहे उनके भी नाम बताए गए, और फिर यहाँ पर अब ये क्रम चल रहा है तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के दान हैं इन 4 प्रकार के दान में प्रसिद्ध व्यक्तियों के भी नाम बताए जा रहे हैं। ये अनूठी विशेषता है इस ग्रंथराज की, ध्यान में रखोगे क्या कहा जा रहा है? हाँ, क्योंकि उदाहरण दे करके, नाम बता करके जब कोई बात कही जाती है तो उससे हमारी समझ में बड़ी सरलता से आ जाता है, और यह सरलता इसी ग्रंथ में दिखाई देती है। तो इन ग्रंथ में जो नाम दिए गए हैं उन नामों को भी पढ़ते हुए आगे का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 118।
श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेशः सूकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। ये चार प्रकार के भेद जो दान के हैं उन्हें इस प्रकार से जानना चाहिए। और दान को यहाँ पर वैयावृत्ति का नाम दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? वैयावृत्ति। व्यावृत्ति शब्द से, व्यावृत्ति के भाव से ये शब्द बनता है वैयावृत्ति। यानी किसी भी प्रकार की आई हुई आपत्ति को, संकट को दूर करने की भावना से जो हम साधुओं की सेवा करेंगे वो सब हमारी वैयावृत्ति है। तो वह वैयावृत्ति में प्रसिद्ध हुए हैं, सबसे पहले आहार दान में प्रसिद्ध हुए हैं एक राजा श्रीशेण। क्या नाम है? इतना तो याद ही कर लो। आहार दान में जिनका नाम आता है वह राजा श्रीशेण है, है ना। अब यहाँ पर आचार्य समंतभद्र महाराज ने श्रीशेण राजा का नाम लिया है, है ना। वैसे तो दान में प्रसिद्ध हुए राजा श्रेयांश, है ना, इनको सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर राजा श्रेयांश का नाम ना लेकर के किसका नाम लिया? राजा श्रीशेण का नाम लिया। तो जो नाम आपको परिचित हैं, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, वो तो अपने ध्यान में रखो ही, कुछ नया भी सीखो। और उसकी भी ये विशेषता यह है कि राजा श्रेयांश ने तो जो दान दिया था वो इस भव में आकर के उस दान के फल से ही उनको वह फल मिला था जो पहले उन्होंने कई भव पहले दिया था। राजा श्रेयांश ने भी भगवान आदिनाथ के लिए जो दान की क्रिया जिस भव में की वो उनका अंतिम भव था। जब भगवान आदिनाथ तीर्थंकर के रूप में जिस भव में थे उसी भव में हुए राजा श्रेयांश एक राजा के रूप में दान करने वाले राजा हुए। लेकिन वह राजा जो दान उस भव में कर रहा है वो भी उससे कई भवों पहले हुए दान के फल से और दान के संस्कार से ही उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था कि दान इस तरह से दिया जाता है। ये भी ध्यान है कि नहीं? 10 भव पहले का दान का संस्कार उसे 10 भव बाद भी याद आता है। सुन रहे हो? ये छोटी मोटी चीज नहीं है। जैसे आपके अंदर अनेक तरह के संस्कार, भोगों के, वासनाओं के, इंद्रिय के विषयों के, मन की इच्छाओं के पूर्ति के पड़े रहते हैं, वैसे ही अगर ये संस्कार भी जीवन में आ जाते हैं तो ये भी जन्म जन्मांतरों तक चलते हैं। जिन लोगों में इस तरह का एक मन बन जाता है, उन्हें एक शौक पैदा हो जाता है कि मुझे तो रोजाना आहार देना है। अगर नगर में महाराज हैं तो हमें रोजाना दर्शन करना है, हमें रोजाना उपदेश सुनना है। यह शौक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्कार है जो डाला जा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये संस्कार काम में आता रहता है। और यह संस्कार अगर धीरे धीरे अच्छा मन में बैठ गया तो यह संस्कार जन्म जन्मांतरों में भी कभी भी उभर के आ जाएगा। आप कहते हो आत्मा के साथ में दूसरे भव में हमारा ये ज्ञान तो जाता नहीं, हमारी जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो तो सब यहीं छूट जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, ज्ञान जो हम सीख रहे हैं इस ज्ञान का जो संस्कार है वो संस्कार आत्मा में पड़ा रहता है। जो हम सीख रहे हैं वो तो सीखते हैं शब्दावली के माध्यम से, जो हम सीखते हैं वो सीख रहे हैं हम कुछ ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन जो सीखने के बाद में हमारे अंदर एक संस्कार आ जाता है वो संस्कार ही वो चीज़ होती है जिसको फिर थोड़ा सा कोई द्रव्य क्षेत्र काल मिले और वह चीज़ उसी रूप में फिर से प्रकट हो जाती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने इस भव में ज्ञान सीखा है वह हमारा इसी भव में छूट जाता है। छूटता नहीं है, वो अगले भव में भी साथ में रहता है, संस्कार के रूप में रहता है। और वह संस्कार भी कभी भी उद्भूत हो सकता है, प्रकट हो सकता है। कैसे प्रकट हो जाता है? आप कभी दही जमाते हुए देखते हैं? दही को दही से ही जमाओ आप, ठीक है ना।
आपने जिस बर्तन में दही थोड़ा सा डाल दिया, फिर उसमें आपने दूध डाल दिया, वो तो हो गया 24 घंटे में दूध का दही हो गया। अब आपने उस दही को पूरा अपने उपयोग में ले लिया, खा लिया, पी लिया, थोड़ा सा उसमें दही के कण रह गए उस बर्तन में, ठीक है ना। अब क्या रह गया, थोड़ा सा दही के कण रह गए, दही नहीं बचा, वो तो तुमने सब चाट लिया था, फिर भी उसमें रह गया, दही का संस्कार रह गया, देख लेना आप, समझ आ रहा है ना। कितना भी पहुंच पहुंच के खा लोगे तो भी उसमें दही का संस्कार रह जाएगा, और वह संस्कार इतना काम करता है कि अगर उसमें फिर से तुम दूध डाल दोगे तो फिर से जम जाएगा। उसे मिलना चाहिए बस वैसा द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाना चाहिए, और वो फिर से संस्कार प्रकट हो जाता है। इसी तरीके से जैसे हमारे अंदर ये ज्ञान के, उपदेश के, दान के ये संस्कार पड़ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम हर क्रिया में शामिल हो रहे हैं, ये संस्कार अपने अंदर जब पड़ा रहता है वह संस्कार परभव में भी चलता रहता है, और वही संस्कार परभव में जा करके जब कभी आपको फिर से कोई मुनि महाराज दिख जाएंगे तो एकदम से आपके मन में भाव आ जाएगा, हमें मुनि महाराज के दर्शन करने हैं। केवल आपको इतना सुनने में भी आ जाएगा कि नगर में मुनि महाराज का प्रवेश हो रहा है, आपके अंदर का वो संस्कार जागृत हो जाएगा, मुनि महाराज के दर्शन करने हमें जाना है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ सुनकर के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, दूर दूर से आ जाते हैं, उन्हें पता पड़ जाता है कि नगर में मुनि महाराज आए हैं, वो दर्शन करने आ जाएंगे, जिनके अंदर दर्शन का संस्कार है वो दर्शन से संतुष्ट हो जाएंगे। जिन्होंने पिछले जन्मों में कभी कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा मुनि महाराज से, तो उनके अंदर भावना आएगी मैं थोड़ा सा उपदेश भी सुन लूँ, प्रवचन भी सुन लूँ, तो उनके अंदर का वो संस्कार उस रूप में प्रकट हो जाएगा, वो प्रवचन सुनने के लिए अपने आप बैठ जाएंगे, उनसे कहना नहीं पड़ेगा। कई लोगों से कहकर के भी उनका मन नहीं बनता, और कई लोगों का बिना कहे मन बनता है, सुन रहे हैं। तो ये समझना कि ये जो हमारा बिना कहे मन बनता है ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। जिन लोगों का कहने पर भी मन नहीं बनता उसका मतलब ये समझना कि इन्होंने ना तो अभी इस जन्म में संस्कार ले रहे हैं ना इनके अंदर कोई पूर्व जन्म के संस्कार है। कहने से हम ये चाहते हैं कि इनके अंदर भी संस्कार पड़ जाए, आज पड़ जाए, आज ये कहने से थोड़ा सा कुछ सुनने लग जाएं, करने लग जाएं, तो शायद इनकी इच्छा और बढ़ जाए, अगले जन्मों में इनके लिए वो इच्छा की और पूर्ति हो जाए, जन्म जन्म तक वो उनका संस्कार बना रहे। तो ये जो संस्कार होता है, जो संस्कार हमारे साथ में जाता है, परभव में भी हमारे साथ रहता है, और इसी संस्कार के कारण से वह जीव अपने आप इच्छा करता है। आप देखोगे अपने आप कई जीवों की इच्छा होती है, मुझे आहार दान देना है, मुझे महाराज की वैयावृत्ति करना है। क्यों इतनी है? उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, कभी उन्होंने किया भी नहीं, लेकिन अपने आप उनके मन के अंदर इच्छा पैदा हो जाती है। ये इच्छा जो पैदा होती है ये पूर्व के संस्कार के कारण से होती है। तो आप ये ना समझें कि हमारा आज का अर्जित कोई भी कार्य है, ज्ञान है, उपदेश है, शिक्षा है, या कोई भी दान आदि का कार्य है, वो हमारे मरने के बाद में सब यहीं छूट जाता है। ये मरने के बाद भी हमारे अंदर संस्कार के रूप में जाता है, और अच्छा संस्कार तो यही कहलाता है, बाकी सब तो विषय वासनाओं के संस्कार हैं, वो तो दुनिया में हर कोई ले लेता है। ये संस्कार जो प्राप्त कर लेता है ये उसके काम में आते हैं, और बाकी संस्कार तो उसको फिर से उसके लिए दुख के ही कारण बने रहते हैं। वो जैसे विषय वासनाओं के संस्कार डाले रखेगा तो वैसी विषय वासनाओं में फिर अगले जन्म में फिर पड़ेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये धर्म के संस्कार भी साथ में होंगे तो इन संस्कारों के माध्यम से वह उन विषय वासनाओं से भी बच जाएगा, समय निकाल लेगा। जो आज समय निकाल रहा है वो कल भी निकाल लेगा, अगले जन्म में भी निकाल लेगा, और जिसको आज समय नहीं है उसे अगले जन्म में भी समय नहीं मिलेगा, वो सिर्फ समय गुजारेगा। जन्म होएगा, बड़ा होएगा, बुढ़ापा आएगा, मरेगा, बस इस तरह से समय तो निकलता जाएगा, लेकिन उसके लिए समय जो काम में आने वाला होना चाहिए अपने हित के लिए वो कभी नहीं मिलेगा। तो कई लोगों के पास समय नहीं है, समझ में आ रहा है, अपना हित करने के लिए
थोड़ा सा भी साधु संगति करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, बैठने के लिए समय नहीं है। इस तरह से जल्दी में है कि जैसे सारी दुनिया का काम उन्हीं को करना है, सारी दुनिया इन्हीं के हाथ में है। और इस तरह की जिनके अंदर आकुलता पड़ी रहती है उन जीवों में कभी संस्कार आते नहीं, और जब संस्कार आते नहीं तो ये जन्म भी खराब होता है, अगला जन्म भी खराब जाता है। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार बताने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। राजा श्रेयांश ने भी 10 जन्म पहले चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए आहार दिए, और उस समय पर तो वह एक स्त्री की पर्याय में थे, समझ आ रहा है। बाद में जाकर के वह पुरुष बने, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब वह तीर्थंकर के सामने आए तो उस समय पर वह राजा श्रेयांश के रूप में आए, लेकिन उन्होंने जो दान दिया था वो तो बहुत पहले का संस्कार था। इसी तरीके से यहां उदाहरण दिया जा रहा है, एक राजा श्रीसेन हुए हैं। कभी आप शांतिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ना, कौन से भगवान का? हाँ, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव की जब आप कथा पढ़ोगे तब आपके लिए समझ आएगा कि ये राजा श्रीसेन हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ में रिद्धिधारी मुनि महाराज के लिए आहार दिया, और उस आहार के संस्कार, उसका पुण्य इतना फला कि वही जीव आगे चल करके शांतिनाथ तीर्थंकर बना। ये छोटी सी बात नहीं है। आहार दान की महिमा से व्यक्ति राजा श्रेयांश बन रहा है, और राजा श्रेयांश उसी भाव में गढ़धर परमेष्ठी बने, समझ आ रहा। गढ़धर पद भी बहुत बड़ा होता है। और एक उदाहरण यह है जो राजा श्रीसेन का है, यह राजा श्रीसेन ये शांतिनाथ तीर्थंकर बने। यह तीर्थंकर के जीव का जो पुण्य है ये उसी भव से चला आ रहा है, और इस तरह से ये जन्म जन्मांतरों तक ये पुण्य फलते हैं। तो हमारे किए हुए जो पुण्य हैं वो अपने आप ऐसे काम में आते रहते हैं कि हमारी बुद्धि अपने आप अच्छी बनी रहती है। बुद्धि किससे अच्छी बनेगी? हमेशा बुद्धि अपने किए हुए पुण्य कर्म से ही अच्छी बनती है। लोग कहते हैं बेटे की बुद्धि अच्छी नहीं चल रही, बुद्धि अच्छी कभी नहीं चलती अपने आप। बुद्धि को चलाने वाला पुण्य कर्म होता है या पाप कर्म होता है। अगर पाप कर्म का उदय चल रहा है तो बुद्धि गलत दिशा में चलेगी, और पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो बुद्धि अच्छी दिशा में चलेगी। बुद्धि का संचालन उसके कर्मों के माध्यम से होता है, और कर्म जिस तरीके का फल देते हैं बुद्धि उसी तरीके से चलती है। इसलिए जो बच्चों की बुद्धि अच्छी नहीं चल रही है उनके माता पिता समझ लें कि उनके पाप कर्म का उदय चल रहा है, जो उस बुद्धि को पाप के ही कार्यों में लगा देती है। और जिनके अंदर पुण्य कर्म का उदय चलता है तो वह अपने आप उस बुद्धि को वह पुण्य ही अच्छे कार्य में लगा देता है। भीतर से जो चीज आपके लिए चल रही है, जो संचालन भीतर से हो रहा है वही उसकी बुद्धि को चलाता है, और वह भीतर का संचालन पुण्य और पाप कर्म के फल से चलता है। इसलिए जिन बच्चों के लिए ऐसा सोचने में आता है कि अच्छी दिन की बुद्धि नहीं चल रही है, ये बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो पाप के भावों में बह रहे हैं, पाप का ही उनके अंदर भाव चल रहा है और पाप का ही वो काम कर रहे हैं। जिनके अंदर पुण्य का भाव चलेगा वो पुण्य काम में लगते हैं। चाहे देख लो आप, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसके लिए पुण्य का उदय है वो छोटी उम्र में भी पुण्य कर लेता है, और जिसके लिए पुण्य का उदय नहीं आता, अच्छी बुद्धि पुण्य के रूप में नहीं चलती, वो 80-85 साल के होने के बावजूद भी घर में बैठे बैठे चाय पीते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, खांसते रहेंगे, पूरे घर में डिस्टर्बेंस किए रहेंगे, लेकिन 10 मिनट के लिए एक माला नमोकार मंत्र की फेरने का या कभी मुनि महाराज के दर्शन करने का भाव नहीं करेंगे, करते रहेंगे। ये सब पुण्य और पाप के फल हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि में अच्छा भाव होता है, उसकी बुद्धि जब अच्छी चलती है तो वह दूर से भी आकर के धर्म उपदेश सुन लेता है, साधु संगति कर लेता है, और हर तरीके से अपना पुण्य क्रिया करके अपने दिन भर के कार्य में लग जाता है। लेकिन जब पुण्य भाव नहीं होता है तो बुद्धि में सिर्फ बहाने होते हैं और कुछ नहीं होता है। क्या होते हैं? बहाने। बहाने जानते हो? हाँ, हर समय आपको बहाना मिलता रहेगा। ठंड है,
बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, ये भी एक बहाना है। जिन्हें मंदिर में आने का भाव नहीं है उनके लिए ठंड भी एक बहाना है। दर्शन नहीं करना, पूजन नहीं करना तो क्या करना, ठंड लग रही, ठंड लग रही, ठंड लग रही, ठीक है ना। जब बरसात होगी, अब बरसात हो रही, पानी बरसता रहता है, तबीयत खराब रहती है, कोल्ड रहता है, इसलिए जाते नहीं, तो वो भी एक बहाना है। समझ आ रहा है? गर्मी आ गई, रात भर नींद नहीं आती है, गर्मी में वैसे ही जो है सुबह से आकुलता होती है, देर से उठना होता है, तो गर्मी में भी उनके लिए एक बहाना मिल गया, पसीना आता रहता है, कहाँ जाएं मंदिर, क्या करें, कहाँ परेशान हो गया, गर्मी सर्दी बरसात सब निकल गए, बस। और तीन ही तो होते हैं, और क्या होता है, एक बरस के मौसम तीन ही होते हैं, चार होते हैं, चार भी इसी में आ जाते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, वो चार ही है, तो वो चार भी इसी में आ जाते हैं, और वैसे देखा जाए तो छह भी हो जाते हैं, छह ऋतुओं के हिसाब से इन्हीं में दो दो महीने के बना देते हैं तो छह हो जाते हैं, है ना। तीन तीन महीने के बना देते हैं तो चार हो जाते हैं, और चार चार महीने के बना देते हैं तो तीन हो जाते हैं। वो सब तरीके से व्यवस्था बनी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर व्यक्ति के मन में बहाने हैं तो उसके लिए बहाना हर समय पर उपस्थित है, जिसे कुछ नहीं करना है, और जिसे कुछ करना है तो वो 10 बहाने तोड़ करके भी आता है, करता है, क्योंकि उसके मन में जो बुद्धि में जो कार्य चल रहा है वो उसके अपने पुण्य भाव से चल रहा है। तो पुण्य कर्म अगर होता है, पुण्य का संस्कार होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि अच्छे काम में लगती है, अपने आप चलती है। श्री शैण का जब ये जीव इस तरह से आहार के संस्कार से तीर्थंकर की पदवी को प्राप्त करता है, तो उस समय पर यह आचार्य समंतभद्र महाराज ये सोच करके कि देखो हमें जो उदाहरण देना है वो ऐसा देना है जो सर्वोत्कृष्ट हो, क्योंकि तीर्थंकर का उदाहरण सर्वोत्कृष्ट है। वो राजा श्रेयांश भी सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन वो गणधर परमेष्ठी बने हैं, समझ आ रहा है, और ये तीर्थंकर बने शांतिनाथ भगवान, और ऐसे भगवान जो सब भगवान में अपनी अलग विशेषता रखते हैं। समझ आ रहा है? आप तो केवल पारसनाथ भगवान को ही विशेषता वाले जानते हो, लेकिन शांतिनाथ भगवान भी अपनी अलग विशेषता रखते हैं, जो तीर्थंकर भी थे और साथ में चक्रवर्ती भी थे और बड़े कामदेव भी थे। ऐसे तीन तीन पदों को धारण करने वाले इस शांतिनाथ भगवान का उदाहरण अगर आचार्य समंतभद्र महाराज ने दिया और राजा श्रेयांश का उदाहरण नहीं दिया, तो मेरी बुद्धि में ऐसा आता है शायद इसीलिए नहीं दिया, मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूं, आपकी बुद्धि कुछ और अच्छा बता सके तो मुझे बता देना, वो भी मैं फिर बाद में दूसरों को बता दूंगा। हाँ, दिक्कत नहीं है, ज्ञान है, कहीं से भी लिया जा सकता है, है ना। तो मैं सोच रहा था कि राजा श्रेयांश का उदाहरण क्यों नहीं दिया, इतना प्रसिद्ध उदाहरण है। तो राजा श्रेयांश से भी बढ़कर के राजा श्रीसेन का जीव जो तीर्थंकर बन रहा है, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, और एक अद्भुत उनका अपना पुण्य है, इतना पुण्य किसी भी तीर्थंकरों का नहीं रहा जितना शांतिनाथ तीर्थंकर का रहा, यह भी आप हमेशा ध्यान रखना। समझ आ रहा है ना? हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर के ऊपर भी एक शतक काव्य लिखा हुआ है संस्कृत में, और वह हस्तिनापुर के जब दर्शन करने जा रहा था तब हस्तिनापुर में जाते से पहले ही मेरे मन में भाव आया कि इतने बड़े तीर्थंकर की जन्म स्थली पर, ज्ञान स्थली पर पहली बार जा रहा हूं, भगवान की कुछ स्तुति भी तो कर लूं। समझ आ रहा? तो वह भाव जब मेरठ से जा रहा था तो वहीं से जो है रास्ते से ही जो है वो स्तुति बनाने का भाव शुरू कर दिया, और वह जब हस्तिनापुर पहुंच गया वहां पर प्रवास चलता रहा, और हस्तिनापुर में ही वो शांतिनाथ तीर्थंकर की 120 काव्यों में वो स्तुति पूरी हुई। फिर वहीं पर उसका पद्यानुवाद भी किया संस्कृत से हिंदी बना करके, ताकि तुम भी पढ़ सको, संस्कृत तो कौन पढ़ेगा, जो हम पढ़ेंगे या हम जैसे दो चार लोग और होंगे वो पढ़ेंगे, सामान्य श्रावक के पढ़ने के लिए। फिर उसका हिंदी में पद्यानुवाद भी हुआ, और फिर भगवान की पूजा भी करते हो, विधान भी करते हो, ऐसा सोच करके उसके अर्घ भी उसमें बनाए गए, और वह एक शांतिनाथ विधान भी संस्कृत में पूरा 120 काव्य में तैयार हो चुका है, जिसके माध्यम से आप शांतिनाथ भगवान की पूजा आराधना विधान आराम से कर सकते हो।
वर्धमान स्तोत्र के बाद में यह शांतिनाथ भगवान का भी स्तोत्र, उनकी पूजा का कार्य भी संपन्न हुआ है। और ये जो भाव आ रहा है वो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जब मैं वो स्तुति लिख रहा था, पढ़ रहा था, तो वास्तव में आचार्यों ने ये लिखा है कि जितना पुण्य शांतिनाथ भगवान का उतना पुण्य किसी का नहीं। हाँ, क्योंकि उनके पास में जो था, उन्हें जो सुख मिला संसार का, वो सुख उन्हें केवल उसी भव में नहीं मिला, उससे पिछले भवों में भी उनका जीवन सुखपूर्वक रहा है। कई भवों से वो इसी तरीके के चक्रवर्ती बनते हुए, राजा महाराजा बनते हुए, मंडलेश्वर बनते हुए, इस तरह से वो बनते हुए तब जाकर के वो तीर्थंकर बने। माने सुखपूर्वक उनके 10 भव बीते हैं। ऐसे भव न भगवान महावीर के बीते, न पारसनाथ के बीते। समझ आ रहा है? क्योंकि भगवान पारसनाथ के ऊपर भी उपसर्ग हुए, महावीर भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुआ। महावीर भगवान के साथ भी कोई चक्रवर्ती नहीं थे, वो स्वयं भी चक्रवर्ती नहीं हो पाए, और उनके साथ भी कोई राजा दीक्षित नहीं हुए। समझ आ रहा है? लेकिन शांतिनाथ भगवान एक अलग ही है। यूं नहीं कहना कि दूसरे तीर्थंकर बुराई कर रहे हैं महाराज, है ना। जब जिसकी बात कहनी होती है तो इसी को बोलते हैं मुख्य गौड़ व्यवस्था, है ना। तो ये भगवान की शैली है, ये शैली भगवान नहीं सिखाई, ये सियादवाद शैली इसी को बोलते हैं। जब जिसका वर्णन करना होता है तो उसकी मुख्यता से जब वर्णन किया जाता है तो उसकी मुख्यता में सब प्रमुखताएं बात बतानी पड़ती है, विशेषताएं बतानी पड़ती है। तो शांतिनाथ भगवान की विशेषता है, जो ये विशेषता आपको शांतिनाथ भगवान का पूरा चरित्र पढ़ने से मिलेगी, वह विशेषता आपको 120 काव्यों में, चूंकि जैसे आपने देखा वर्धमान स्तोत्र पूरा ज्ञानमय है, ज्ञान बढ़े, इस तरीके के शास्त्र और इस तरीके की पूजाएं जिसके माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आप जाने कि वास्तव में तीर्थंकर शांतिनाथ क्या थे, उनके 10 भव पूर्व से उनके नाम लेते हुए और उसके बाद में उनके पूरे चक्रवर्ती और कामदेव के वैभव का वर्णन करते हुए वो स्तुति की गई है, है ना। तो अभी वह शांतिनाथ भगवान का जो चरित्र है उससे मुझे समझ में आता है कि वास्तव में पुण्य में भी और तीव्र पुण्य ऐसे तीर्थंकरों के मिले हैं। वैसे तो सभी तीर्थंकर पुण्यवान हैं, तीर्थंकर प्रकृति अपने आप में पुण्य प्रकृति है, लेकिन उनमें भी कम ज्यादा, क्योंकि हर एक कर्म असंख्यात भेद वाला है, हर कर्म में असंख्यात प्रकार के अंतर दिखाई देते हैं। तो पुण्य कर्म भी सबके एक जैसे नहीं होते हैं, पुण्य में भी अंतर होता है। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान के लिए शायद ये उदाहरण आचार्य समंतवत महाराज को पसंद आया, इसलिए उन्होंने श्री शेण का उदाहरण दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूं, है ना। सभी तीर्थंकर पुण्यवान ही हैं, सभी तीर्थंकर महान ही हैं, लेकिन श्री शेण का नाम लेने से ये समझ में आता है कि वह श्री शेण का जीव जब तीर्थंकर बना है तो आपके मन में भी सर्वोत्कृष्ट भाव आना चाहिए कि दान के प्रभाव से भी तीर्थंकर जैसे पदों की प्राप्ति की जाती है, ये ध्यान में आना चाहिए। हाँ, लोग जानते ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान 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 चिल्लाते रहते हैं, ज्ञान के ही प्रभाव से सब कुछ होता हो। ज्ञान के साथ अगर ये दान का भी काम होएगा तो आपके लिए थोड़े में भी बहुत मिल जाएगा। मान लो आपने ज्ञान ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया और दान में आप पीछे हैं, भावना ही नहीं है। अगर ज्ञान के माध्यम से आपको मुनि महाराज को दान देने की भावना मर गई और आपको अपना आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं गलती कर ली, ज्ञान विकृत हो गया, दही बना नहीं फट गया, उसने दूध को फाड़ दिया। एक ऐसा भी जामुन होता है जिसमें दूध डाल दिया जाए तो सब फट जाता है, बनता ही नहीं, कुछ काम में ही नहीं आता वो। और एक ऐसा भी जामुन होता है जिसमें दूध डाल दिया जाए तो बिल्कुल थक्के के थक्के बढ़िया, थक्का क्या बोलते हैं, पट्टी की पट्टी, है ना। हाँ, थक्का के थक्के जमते हैं तो वो खाने में आनंद आता है। समझ आ रहा है ना। तो अगर आपके अंदर का संस्कार अच्छा है तो अच्छा जमेगा, दही जमेगा, थक्के के थक्के जमेंगे, है ना, बढ़िया पीस बनेंगे उसके। और अगर संस्कार में खराबी है तो दूध भी खराब हो जाएगा, विकृति आ गई
तो जो भी दूध था वो इतना खराब हो गया कि अब उसमें सब छितर बितर हो गया, थक्का तो कहीं नहीं बचा। और वो भी जो रहा उसमें ना कोई तो छेना का स्वाद, ना कोई सेपरेटा का स्वाद, ना उसमें दही का स्वाद, ना दूध का स्वाद, वो पूरी खराब हो गया। समझ आ रहा? ऐसे ही ज्ञान के साथ होता है। जो ज्ञान हमें इतना ज्यादा सूखा बना दे भीतर से कि हमें साधुओं के प्रति भक्ति का भाव ही ना आए, जिस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर ये आहार दान औषधि दान के भाव ही मर जाएं, जिस ज्ञान के माध्यम से हम आत्मा आत्मा तो करते रहें और जो आत्मस्थ हैं आत्मा की आराधना कर रहे हैं उनको देख करके हमारे मन में नमोस्तु करने का भी भावना है, समझ लेना वो ज्ञान विकृत हो चुका है। संस्कारित ज्ञान नहीं है वो विकृत ज्ञान है। जिसमें संस्कार अच्छा होगा वो अच्छे काम में आएगा। जो भी अच्छे काम हैं वही शास्त्रों में लिखे हैं। अगर आपके लिए दान का काम अच्छा नहीं लगता तो समझना कि हमारी बुद्धि की कहीं ना कहीं विकृति है, जो हमें दान देने में पीड़ा होती है। कई लोगों को तो इतनी भी पीड़ा होती है कि अगर कोई दान दे रहा होता है तो उसको देखते हुए उनके पेट में दर्द होता है। नहीं समझे? कोई व्यक्ति कहीं पर धन का दान दे रहा है, कहीं पर आहार का दान दे रहा है, कहीं पर आवास दान कर रहा है, कोई उपकरण दान कर रहा है, भैया इतना दान काहे करते हो, कुछ देखा भी तो करो, लड़के बच्चे नहीं है क्या, कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या, तो उसको वह रोकते रहते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, फिर ये भी पूछा जाता है इतना कहाँ से आ रहा है, फ्री का आ रहा है क्या? तो उनसे यही कहना चाहिए कि जैसा हम दे रहे होते हैं वैसे ही अपने आप हमारे पास आता भी रहता है और जहां से आता है वहीं से हम देते भी रहते हैं। उनसे यही कहना चाहिए। समझ आ रहा है? जब आ रहा है और देने वाला दे रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों होता है? हमें ये सीखना चाहिए कि हम भी ऐसा ही दान देना सीखें, हम भी ऐसी योग्यता प्राप्त करें जो हर रोज दान दें। जहां कहीं पर भी हमारे मन में ये भाव आए, धर्म की प्रभावना का काम हो रहा हो, वहां पर हमारे अंदर ये भाव आए कि हम भी कुछ करें। इस तरीके की वृत्ति उदार लोगों में ही होती है, जो उधार का खाते हैं उनमें नहीं होती है। किनमें होती है? उदार। उधार वालों में नहीं होती। जो उधार का खा रहे हैं उनमें कैसे आएगा भाव? वो तो दूसरों का और उधार ले लेकर के खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं दूसरों से ले रहे हैं, देने की तो बात नहीं कि जो उनका भी वापस लौटा दें, तो उनमें तो दान की भावना आ ही नहीं सकती। दान की भावना तो उसी में आएगी जो उदार होगा। उदार इतना होगा कि दूसरों को उधार दे रहा हो। जो दूसरों को उधार दे करके भी ये भावना रखे, अगर उसने दे दिया तो ठीक, नहीं दे दिया चल कोई बात नहीं, भगवान तेरे को सुखी रखे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें भगवान ने बहुत दिया, मिलता रहेगा। नहीं हो सकता ऐसा भाव, भाव करना भी नहीं हो सकता। अगर आपके लिए कभी ऐसा भाव करने में आ रहा हो और आपको भीतर से कष्ट हो रहा हो तो समझना अभी हमारी उदारता में कमी है। इतना उदार भाव बनाओ, आप देखोगे कि आपका जो पैसा कहीं रुका रहता है उस पैसे के लिए भी आपको वापस मिलने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं दान की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। मैं आपको एक क्ल्यू बता रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बात से। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे दान का पैसा रुका हुआ है महाराज, दान का पैसा मिल जाए, दान का पैसा मिल जाए। मैं उनसे कहता हूँ आप दान का पैसा निकालने के लिए भी जितनी आपके पास में शक्ति है उसका भी कुछ अंश दान करते रहो। उस दान के पैसे के माध्यम से ही आपका वह पैसा वापस लौट करके आएगा। ये दान की बहुत बड़ी महिमा है, दान की बहुत बड़ी शक्ति है। जिस तरीके से नमोकार मंत्र की शक्ति है, अनेक स्तोत्रों की शक्ति है, वैसे ही दान में शक्ति होती है। और दान की शक्ति का आप महसूस तब करोगे जो व्यक्ति दान देते हैं उनसे पूछना। कल यहां पर वह राजेश जो बात बता रहा था कि कितना लाख रुपए फंसा हुआ था, अपने आप उसके लिए फोन आ गया कि हाँ हम अब आपसे फिर से वो माल खरीदना चाहते हैं, हम आपसे को पेमेंट देना चाहते हैं, और उल्टा और ज्यादा हम वो माल नया खरीदना चाहते हैं, उससे और उसका भी ज्यादा पेमेंट देना चाहते हैं। समझ आ रहा है? पिछला भी मिलता है, नया खरीद रहा है वो भी मिलता है। दान से कभी भी अभाव नहीं होता।
जिन व्यक्तियों के लिए ये मानसिकता बनी हुई है कि दान देने से हमारा कम हो जाएगा, उन्हें कभी धर्म करने का भाव ही नहीं आएगा, वो दान का कभी महत्व ही नहीं समझ पाएंगे। दान एक ऐसी कुंजी है कि आप उसमें थोड़ा डालो बहुत पाओगे। एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें कि जैसे मान लो हमने आधा गिलास पानी डाल दिया और उसमें से एकदम से फुब्बारा फूट पड़ा, पानी 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 पानी। ऐसे ही दान की प्रक्रिया होती है, हम थोड़ा डालते हैं और बहुत सारा उससे फूट पड़ता है, निकल पड़ता है। जिन व्यक्तियों को इस तरीके की दान की प्रक्रिया का महत्व मालूम होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में दान से ही अपने सब सुख प्राप्त करते रहते हैं। तो ये दान का प्रभाव है जो हमारे अंदर किसी भी तरीके के अंतराय कर्मों के कारण से जो हमारे पैसे रुके हैं, काम रुके हैं, आपके लिए वह दान के माध्यम से दूर होगा। आप इसको महसूस करके देख लें, भावना अच्छी बनाएं और जिससे आपको लेना है आप उसके प्रति बिल्कुल भी बैर भाव ना रखें। सबसे बड़ा पॉइंट आपको बता रहा हूं, अरहम ध्यान करने के लिए बैठे ओम अरहम नमः का 18 बार स्मरण करें, नाद लेते हुए ओम अरहम नमः की ध्वनि के साथ में। उस व्यक्ति का फिर अपने ध्यान में, अपने मन में उसका चित्र लाएं जिससे आपको पैसा लेना है, जो आपका पैसा नहीं दे रहा। मैं आपको बता रहा हूं तकनीकी। अगर आपके लिए ये भाव आए कि इस व्यक्ति से हमारा काम बनना है, तो आप उसके लिए अपने मन में विचार करें, हे भगवान, मेरा इस व्यक्ति से कोई भी द्वेष नहीं, मेरा इस व्यक्ति से अत्यंत प्रेम भाव है, मैं इस व्यक्ति के हर कृत्य को क्षमा करता हूं और मैं इस व्यक्ति के प्रति पूर्ण रूप से सद्भाव रखता हूं, मेरे अंदर इसके प्रति पूर्णतया प्रेम भाव है, सद्भावना है, इसके मन में अच्छी बुद्धि हो, इसके पास जो मेरा पैसा है वो मेरा पैसा इसको लौटाने की बुद्धि आ जाए और इसकी बुद्धि में ये आ जाए कि दूसरे का पैसा लेना, हरण करना महापाप है, ऐसा हे भगवान इसकी बुद्धि में ज्ञान आ जाए और इसकी बुद्धि हमेशा के लिए अच्छी बन जाए। ऐसी आप भावना करते हुए केवल एक मिनट के लिए उसका ध्यान करना, किसका, उस व्यक्ति का ध्यान करना, लेकिन ध्यान करते हुए उसकी भावना, उसके प्रति भावना बिल्कुल प्रेममय क्षमामय रखना और ये भावना करना कि उसकी बुद्धि बिल्कुल अच्छी हो गई है। ऐसा भी नहीं सोचते रहना कि उसकी बुद्धि अच्छी हो जाए हो जाए हो जाए और तुम्हारी लिए भीतर से द्वेष आ जाए, द्वेष नहीं आना चाहिए। उसकी बुद्धि अच्छी हो गई, मानो उसकी बुद्धि ने अपना काम कर दिया, आप ऐसी भावना रखना, फिर आप देखना 8 दिन के अंदर आपके साथ क्या होता है। आप करके देखो, आपको पता ही नहीं भावना का कितना महत्व होता है। आप ये काम करो और उसके साथ में जो भी आपके अंदर शक्ति बनती है उसके अनुसार थोड़ा सा दान देने का भाव प्रतिदिन करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा, अपने लिए नमोकार मंत्र से बढ़कर के भी चमत्कारिक शक्ति का प्रभाव बता रहा हूं आपको। इसके माध्यम से लोगों में समृद्धि आती है और जो जितना दान देते हैं वो कभी दरिद्र नहीं होते हैं, वो कभी अभाव में नहीं जीते हैं, उनके लिए समृद्धि बनी रहती है और आगे भी उन्हें समृद्धि मिलती रहती है। ये आहार दान, औषधि दान के जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये इसीलिए दिए जा रहे हैं। वृषभ सेन एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं औषधि दान में। पूर्व जन्म में ये एक स्त्री के रूप में थे और एक स्त्री ने मुनि महाराज के लिए कोई ऐसा ही उपद्रव कर दिया मजाक मजाक में, और उसके फल से फिर उसको जब महसूस हुआ कि ये इस पाप का फल मुझे मिल रहा है, तो फिर उसने मुनि महाराज की सेवा की, यहाँ तक कि उन्हें औषधि दान दिया और फिर उस औषधि दान के प्रभाव से उसे उसी जन्म में अपने रोग दूर हुए, अभाव दूर हुए और फिर जन्म जन्मांतरों में बढ़ते हुए वह एक वृषभ सेन नाम का वह जीव बना। जो इस तरीके की कथाएँ आज आगम में लिखी हुई हैं उनको सुन करके आप समझ सकते हो कि अपने अंदर के पाप कर्म का विनाश भी इस प्रकार के दान आदि कार्यों से हो जाता है। कई लोग अपने पाप का प्रायश्चित चाहते हैं। पाप का प्रायश्चित कैसे करें? पाप का प्रायश्चित भी दान देने से हो जाता है, भक्ति करने से हो जाता है। जब आप दान दे रहे हैं तो दान में भक्ति तो समाई है,
बिना भक्ति के दान कभी होता नहीं, तो इस दान में सब कुछ आ जाता है। इसलिए ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं इनको आप ध्यान से देखें। कौंडेस ग्वाला का उदाहरण दिया गया, पहले भाव में जो ग्वाला था, मुनि महाराज जहाँ पर शास्त्र अध्ययन करते थे वहीं शास्त्रों को रख करके छोड़ देते थे, और वह ग्वाले को वह शास्त्र मिल गया एक पेड़ की कोटर में, और उसने उस शास्त्र को रक्षा की, उस शास्त्र की पूजा की, और जब कोई दूसरे मुनि महाराज आए तो उनके लिए वो शास्त्र उपलब्ध कराया, और वह शास्त्र के ज्ञान उसके दान के प्रभाव से वही व्यक्ति आगे चल करके कौंडेस नाम का एक श्रेष्ठ व्यक्ति बना। ये शास्त्र दान, उपकरण दान इसी को कहा गया है। वस्तुतः ये ज्ञान दान में ही उपकरण दान समाहित किया गया, क्योंकि उपकरण में मुख्य रूप से जो उपकरण है ज्ञान का उपकरण वो शास्त्र ही होता है। तो जो लोग इस तरह से जिनेंद्र भगवान की वाणी की प्रभावना शास्त्रों के माध्यम से होती है, उस वाणी की प्रभावना में भी अपना धन लगाते हैं, वो भी अपने अंदर श्रुत ज्ञान की वृद्धि करते हैं, क्योंकि जिन वाणी के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान आप दूसरे तक पहुंचा रहे हो, ये भी दान है। तो ये भी उपकरण दान के रूप में यहाँ कहा गया। और चौथा आवास दान के रूप में कहा गया, जिसमें कि एक सूकर का दृष्टांत दिया गया है। किसका? सूकर, यू नो हु इज सूकर? पिग, पी आई जी, है ना, बिग नहीं, पिग, सब जानते हैं ना। अब इसका दृष्टांत दिया महाराज ने, कोई आदमी नहीं मिला है, कोई श्रावक नहीं मिला, कौन मिला? और जानवर में भी कौन सा जानवर मिला है जिसको नाम सुनते ही आपको गिलानी आती है? उसका नाम यहां लिखा हुआ है शास्त्र में, सूकरश्च दृष्टांता। समझ आ रहा है? अब ये जिनवाणी है, समझ आ रहा है ना। अब जिनवाणी में सूकर लिखा हुआ है, आपने जिनवाणी को प्रणाम किया तो सूकर को भी प्रणाम तो ही गया। समझ आ रहा है ना। जिन लोगों में बुद्धि नहीं है वो कुछ भी कह सकते हैं। जिनवाणी का अर्घ चढ़ाना चाहिए, जिनवाणी की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय में लोगों शंका पैदा करने लगते हैं। जिनवाणी की पूजा किस रूप में हो रही है, जिनवाणी का भाव जो पूजा के रूप में, विधान के रूप में आ रहा है वो क्यों आ रहा है? अरे जो जिनवाणी में तत्व दिए हैं, जिनवाणी में जो तथ्य दिए हैं, वो तथ्य की पूजा की जा रही है। हम उस सूकर की पूजा नहीं कर रहे, सूकर को नमस्कार नहीं कर रहे। जो हमें ज्ञान मिल रहा है कि ये सूकर ने आवास दान दिया, मुनि महाराज की रक्षा की, मुनि महाराज जहां पर अपना आसन जमाए हुए बैठे थे, जहां पर तपस्या कर रहे थे, वहीं पर एक व्याघ्र आकर के उनके ऊपर आक्रमण करने को हो रहा है, और उस सूकर के अंदर पूर्व जन्म का संस्कार है, तो वह आकर के उन मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए व्याघ्र से, बाघ जिसको बोलते हैं, उससे लड़ने लग जाता है। सूकर और बाघ की लड़ाई होती है और दोनों घायल होते हैं, दोनों मर जाते हैं, लेकिन सूकर लड़ रहा है किसके लिए? मुनि महाराज को बचाने के लिए। और वह मुनि महाराज को बचाने का भाव भी उसके अंदर क्यों आया? क्योंकि यही सूकर और यही बाघ, ये दोनों पिछले जन्म में मनुष्य थे, और उस जन्म में इस सूकर के जीव ने तो मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए उस बाघ के जीव से पिछले जन्म में ही लड़ाई कर ली थी। वो चाह रहा था मुनि महाराज यहां से हट जाएं, चले जाएं, निकल जाएं, और ये चाह रहा था नहीं, मुनि महाराज अगर यहां पर तपस्या कर रहे हैं तो उन्हें करने दी जाए। और इसी बात पे पिछले जन्म में लड़ाई हुई, और इसी बात पर उसकी फिर अगले जन्म में लड़ाई हुई। समझ आ रहा है? जब ये लड़ाई यहां तक हो गई कि उनका मरण हो गया, तो सूकर तो स्वर्ग में उत्पन्न हुआ, देव बना, और वह व्याघ्र मर करके नरक में उत्पन्न हुआ। आवास दान, जो आवास कर रहे हैं उनके लिए भी रक्षा का भाव, ये भाव अपने आप में इतना बड़ा भाव है कि आप एक तरह से मुनि महाराज के शरीर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके रत्नत्रय की रक्षा कर रहे हैं। आप रत्नत्रय का पालन नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनके लिए आप अगर आश्रय, रक्षा का भाव, तो वह भाव आपकी अपनी आत्मरक्षा का भाव है, और उसी भाव के कारण से यह जो ज्ञान हमको मिल रहा है, इस ज्ञान की पूजा की जाती है। सूकर की पूजा नहीं हो रही,
सूकर से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, अब ये ज्ञान हमें आचार्यों ने दिया तो ये ज्ञान हमें तीर्थंकरों ने ही तो दिया। क्या तीर्थंकर अपनी वाणी में पशुओं के नाम नहीं लेते? क्या वो अपनी वाणी में पशुओं की महिमा नहीं गाते? फिर वो भी तो जीवी है। अगर आपके लिए ये ज्ञान में आए कि हम जो जिनवाणी के लिए कोई तरीके का पूजन करते हैं, विधान करते हैं, तो वह जिनवाणी का पूजन इस रूप में है कि जिनवाणी में जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान की पूजा है। अभी आपने नंदीश्वर का विधान किया, उसमें बहुत सारे अर्घ हमने इसी रूप में बना रखे हैं, तत्वार सूत्र के अर्घ हैं उसमें, है ना। अब उसमें क्या अर्घ हैं? देवाश्च, है ना, नपुंसकानी, ये सब उसमें अर्घ दे रखे हैं जो भी सूत्र आए हैं, समझ आ रहा है ना। नारकियों के सूत्र आए, नारका नित्या सुप्ता लेसा परिणाम दे वेदना विक्रिया, अब उसके लिए भी सूत्र है, उसको भी हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो किसको? नारकियों करके चढ़ा रहे हैं। हमें जो ये ज्ञान दिया कि नारकी ऐसे होते हैं, इस ज्ञान के लिए जिनवाणी को अर्घ चढ़ा रहा है, इसलिए उस जिनवाणी के सूत्रों को ज्ञानमय सूत्र कहा गया, और उन सूत्रों की पूजा करना, विधान करना, आराधना करना, ये हमारे लिए ज्ञान वृद्धि के लिए होता है। ऐसा ज्ञान इसलिए दिया जाता है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा किसकी की रही है? नारकियों की नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के यही ज्ञान में आता है, नहीं समझ आ रहा है, नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानी। हाँ, अब क्या नपुंसकानी और उसको हम अर्घ चढ़ा रहे हैं? तो ये हमारी बुद्धि का भ्रम है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा हम अर्घ किसको चढ़ा रहे हैं। हमें ये ज्ञान जो मिला है वो ज्ञान, नारक और सम्मूर्छन जीव नपुंसक होते हैं, ये जो ज्ञान मिला है इस ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। और ये ज्ञान किसने दिया? तो ज्ञान हमें तीर्थंकरों ने दिया, आचार्यों ने उसको लिपिबद्ध किया, इसलिए उस वाणी की हम पूजा करने के लिए उसको अर्घ चढ़ा रहे हैं। इसलिए वो तत्वार सूत्र का विधान, तत्वार सूत्र की पूजा का मतलब यह है कि उसमें जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान की पूजा है, समझ में आ रहा है, न कि उसमें नारकियों की पूजा हो रही है कि सम्मूर्छन जीवों की पूजा हो रही है कि नपुंसकों की पूजा हो रही है, नहीं है, है ना। ये दिमाग में रखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि नंदीश्वर विधान में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। जो उसमें ये लिखा है कि नारक जीव ज्ञान प्ररूप काय जिन चैत्याय नमः, तो इसका मतलब क्या है कि ये जिनेन्द्र भगवान है और इन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया, तो नारकी जीवों के ज्ञान की प्ररूपणा इन भगवान ने की, इसलिए जो है हम इनके लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो भगवान जिनेन्द्र देव तो सभी एक तरीके की प्ररूपणा करते ही हैं। अब हमें भगवान को नमस्कार करना है तो उनके ज्ञान के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला है उसी ज्ञान की बहुमूल्यता बताते हुए उसी के माध्यम से हम उनको नमस्कार करते हैं। तो ये जो है ज्ञान होना चाहिए कि आजकल जो ये विधान में अनेक तरह से जो पूजा का हम जो एक भाव दे रहे हैं वो इसलिए कि उसमें आपके ज्ञान की भी वृद्धि हो। आप पढ़ेंगे तो उससे केवल इतना ही नहीं हो कि बस लड्डू पेड़ा बर्फी लाए भगवान आपको चढ़ा दिया, समझा, कुछ ज्ञान भी बढ़े। तो वो भावना से ये विधान की रचनाएं होती हैं, इसलिए भगवान की पूजा विधान से ज्ञान बढ़ता है। और किसी भी तरह की जो हम शास्त्रों की भी पूजा आराधना करते हैं उसमें कोई भी किसी भी तरीके का आपको कोई ऐसा पाप नहीं लगता जैसा कि आपके मन में भ्रम आ जाता है कि शास्त्रों की पूजा क्यों, शास्त्रों के विधान क्यों, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। सूकर का भी ये दृष्टांत इस रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है, तो इसका भी अगर कभी पूजा की जाएगी तो ये श्लोक भी हमारे लिए पूज्य है कि नहीं। अब ये श्लोक की वाणी हमारे लिए पूज्य है कि नहीं, ये भी आचार्य की वाणी है, तो जो भी वाणी उन्होंने लिखी है हमें वो माननी होगी कि नहीं। तो जब हम इसकी पूजा करेंगे तो क्या करेंगे, सूकर का नाम लेंगे कि नहीं। जब इतने बड़े आचार्य सूकर का नाम लिख सकते हैं तो आपको मुंह से बोलने में कौन सा अनर्थ हो रहा है, समझ में आ रहा है। सूकरश्च दृष्टांत, हाथ जोड़ के पढ़ना है, क्या समझ में आ रहा है। हाँ, ये जिनवाणी है कि नहीं, विनय के साथ हाथ जोड़ करके, धन्य है वो सूकर का जीव जिसने मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, मर गया, पीछे नहीं हटा। हम तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, कितना अच्छा भाव है उसके अंदर, उस भाव को प्रणाम करो, समझ में आ रहा है। इसलिए जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ज्ञान उस लेवल को छू रहा है कि नहीं छू रहा है। हम कभी किसके लिए कहां मर सकते हैं बताओ,
किसके लिए हम प्राण न्यौछावर कर सकते हैं? एक जानवर के अंदर भी इतना भाव आ जाता है जो रक्षा करने के लिए बाघ से लड़ जाता है। आपके सामने बाघ आ जाए और आपके सामने मुनि महाराज बैठे हो तो क्या करोगे? बता दो, आज बता दो, सही से बता दो। महाराज आपकी, आप जानो, मैं तो जा रहा हूं। मैं चला। अब बाहर आकर के भाग करके फिर 10 लोगों को बताओ, अरे अंदर बाघ चला गया, वहीं पर महाराज बैठे हैं, अब क्या होगा? तो 10 लोगों को लेकर के आओगे, तब तक तो काम ही निपट गया होगा। फिर करोगे, हाँ हमने हमने महाराज को बचाने के लिए 10 लोगों को इकट्ठा किया, हमने महाराज को बचाने के लिए बहुत करिया, बचे नहीं, कुछ नहीं हुआ, अब क्या करें? हो गया काम? तुमने क्या किया? हल्ला किया बस, तो हल्ला ही करना आता तुमको। समझ आ रहा है? आप सोचें कि इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी भक्ति हमारे अंदर है क्या, जो यहां पर अगर आचार्य समद्वत महाराज सूकर का उदाहरण दे रहे हैं तो हमारे अंदर वो भाव है क्या? नहीं है। तो जिनके भाव उत्कृष्ट हैं, हमें उनको प्रणाम, उनको अपने हृदय में बिठाना। उस जीव की श्रद्धा, उस जीव का भाव धन्य है जिसने इस तरीके का साहस किया, और उस साहस के परिणाम से ही आचार्य समंतबद्ध महाराज ने सूकर का नाम जिनवाणी के अंदर लिखा है। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर जैन दर्शन में जीव से घृणा नहीं होती, पाप से घृणा होती है। जीव चाहे कितना भी कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी तरह का पशु हो, पक्षी हो, कितना भी कोई हो, मांसाहारी हो या कोई भी आहारी हो, लेकिन अगर उसका भाव सुधर गया तो वहीं से वह हमारे लिए उत्कृष्ट हो जाता है। ये बड़ी चीज है, ये जैन दर्शन की विशेषता है। पाप करते करते व्यक्ति जहां से सुधर गया, जिस क्षण उसके भाव में परिवर्तन हो गया, वो हमारे लिए आदर्श बन गया, उसका फिर हम नाम लेंगे। ये विशेषता को ध्यान में रखते हुए आचार्य यहां पर हमें श्रावक धर्म का उपदेश दे रहा है। इसलिए भाव ये रखना है, अगर हमसे कोई भी व्यसन होते हैं, हमसे कोई भी पाप होते हैं, वो पाप अगर हम आज भी छोड़ देते हैं तो हम समझ लेना कि हम आज से ही अच्छा जीवन जीना शुरू हो गए, तुम्हारी धर्म में एंट्री हो गई, तुम्हारे लिए एक आदर्शता का जीवन जीने का भाव आ गया, तो दूसरे लोग भी तुम्हें अपने आप आदर्श मानने लगेंगे, तुमसे गिलानी नहीं करेंगे, यूं नहीं सोचेंगे तुम पहले क्या थे, आज क्या हो। और अगर आज अगर तुम शुद्ध हो गए, आगे के लिए तुमने अपना संकल्प ले लिया कि मैं शुद्ध रहूंगा, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा नाम मैं लूंगा, तुम्हारी प्रशंसा मैं करूंगा। अगर कोई दूसरे कहें कि महाराज ये तो पहले बहुत सिगरेट पीता था, बहुत व्यसनी था, बहुत परिस्त्री सेवन करता था, मैं उसको समझाऊंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा, बताओ मेरे सामने आओ, ये संकल्प लो कि मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा, फिर उसके बाद में दुनिया की बात पीछे, तुम्हारे साथ मैं हूं, मुझे बताना, मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये सुधर गया, ये आदर्श व्यक्ति बन गया, अब तुम इसके पैर छुओ, मैं तुम्हारे पैर छुलवाऊंगा दुनिया से। क्या बात कर रहे हो? ये जैन धर्म है, जैन धर्म की विशेषता है। इसी विशेषता से यहां पर सूकर के और ये व्याघ्रों के नाम दिए जाते हैं। जब ये पूज्य हो सकते हैं, ये आदर्श हो सकते हैं, तो क्या मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकता? समझ आ रहा है? ये ध्यान में रखो। इसलिए जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आए कि मुझे अच्छा बनना है, उसी दिन सोच लेना, मेरे पास में आ जाना, अपनी मैसेज पहुंचा देना, इंफॉर्मेशन दे देना। और आपके लिए अगर ये लगे कि दूसरे समाज के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे बता देना, तुम्हारा नाम घोषित कर दूंगा मैं। समझ आ रहा है? कोई तुम्हारे ऊपर आपत्ति नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो? अगर तुम इस तरीके से धर्म करने की भावना करोगे, तो तुम्हारे लिए सब कोई समर्पित होएगा, सब कोई तुम्हारे लिए साथ देगा, एक साधु भी तुम्हारा साथ देगा इस बात पर कि तुम्हारा जीवन बदल गया है। समझ में आ रहा है? ये धर्म की विशेषता है। इस विशेषता को ध्यान में रख करके ही हर व्यक्ति धर्म को अपनाता है और धर्म को अपना सकता है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी बंधनों में पड़ा हो, चाहे वो किसी अपने ही धर्म में कोई बुरा काम करने वाला हो, वो सोच रहा हो कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, वो अपने अंदर हिम्मत बना ले, कर ले, उसके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। कोई भी दिक्कत हो मुझे आके बता दे। सुन रहे हैं? कान खोल के। हाँ, तो ये चार प्रकार के जो भेद हैं, ये वैया वृत्ति के बताए गए हैं। इसलिए इन सब भेदों को ध्यान में रखते हुए हम दान की पूजा को दान की महत्ता को समझें, है ना? ये दान की महिमा का प्रकरण लगभग लगभग यहाँ पर आज पूरा होता है, लेकिन वैया वृत्ति का प्रकरण पूरा नहीं हुआ, वो अभी आगे भी चलेगा, है ना? बोलो महावीर भगवान की।